हमारी सरकार ने बिल्कुल फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया है। मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ, भाजपा के बहकावे में मत आइए। एक लाइन में बताता हूँ, हम ढाप टोप की बात नहीं करता हूँ। यदि जिन पदाधिकारियों ने गड़बड़ी जेपीएससी में किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए, आज स्टूडेंटों को इंसाफ मिलना चाहिए। जेपीएससी को लेकर सड़क से लेकर विधानसभा के अंदर भी बवाल मचना शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी और अकेला जी हैं। इरफान जी, जेपीएससी को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, बीजेपी के विधायक भी इसमें जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी। देखिए, जेपीएससी का जो मामला है ये शुरुआत भाजपा ने ही किया है, और भाजपा को विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई पार्टी फिर एग्ज़ाम करा सकती है क्या, एग्जामिनेशन कंडक्ट करा सकती है क्या। हमारी सरकार ने बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ, भाजपा के बहकावे में मत आइए। आज भारतीय जनता पार्टी दूसरे जिला में मैं जाता हूँ, वहाँ बोलते हैं कि नहीं, जेपीएससी को तो हम लोग कार्यालय बना दिए, बीजेपी कार्यालय बना दिए हैं। वहाँ कौन जा रहा है भानु, वहाँ कौन जा रहा है हटिया विधायक, वहाँ पर क्या कर रहा है जय श्री राम, भाजपा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। अरे भाई, जेपीएससी के स्टूडेंट को मैं कहूँगा, अगर कोई मामला है तो हम लोग हैं, इरफान अंसारी है, हमारे अकेला यादव जी हैं, डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हम लोग से मिलिए, वार्ता कराइए, कहाँ त्रुटि है बताइए, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बेइंग स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, हम आपकी पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, भाजपा तो नहीं समझेगी। पूरे आज जो घोटाला का जो अगर सरगना है वो भाजपा है। बाबूलाल मरांडी जी जब प्रथम मुख्यमंत्री थे उसी समय से ये घोटाला उजागर हुआ, जब पूर्व उसके शिक्षा मंत्री ने, आप देखिए आज जितना भी वीडियो सीओ है सब दागी है, देन किसकी है, भाजपा की है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फेयर हो रहा तो भाजपा पचा नहीं पा रही है, तो भाजपा को वेट एंड वॉच करना चाहिए। और मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, भाजपा का काम राजनीति करना है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है, हम पे विश्वास कीजिए। आपने हमारी सरकार को बनाया है तो प्लीज़ आप हमारे मुख्यमंत्री जी पे विश्वास कीजिए, रेल तो आने दीजिए पूरा। आप बोल रहे हैं कि फेयर एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन 49 पास अभ्यर्थी को इसलिए फेल किया गया कि बोला कि ओएमआर सीट नहीं था और हम ऐसे ही पास कर दिए थे प्रोविजनल। नहीं, ये बात तो देखिए, ये बात तो जाँच की बात है, इसकी जाँच हो रही है, तो स्वीकार लिया। अरे नहीं नहीं, तो बिल्कुल देखिए, अगर हम फेयर हैं, अगर हम कहीं गलती करते तो मानते हैं, ऐसा नहीं कि हम रघुवर दास की तरह अड़ जाते हैं, चलाओ मार दो गोली, मार दो युवाओं को गोली, ऐसा तो नहीं किया हम लोगों ने। रघुवर दास भी एक्सेप्ट किए थे और 6 जेपीएससी को दो बार भी वो कैंसिल करना समाधान नहीं है, मैं बार बार कर रहा हूँ। हमारे युवाओं के भविष्य का एज पार हो रहा है, क्यों आप लोग ऐसा करवा रहे हैं? आप एक पक्ष की सुनो, दूसरा पक्ष आपने तो सुना नहीं, दूसरा पक्ष जिसका सिलेक्शन हो गया, क्या वो चाहेगा कि एनद हो जाए? वो भी अनशन, कैसे हो सकता है, आप बताइए। चलिए मोरा, अच्छा मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ, हमारे पास फ़ोन आया था, हम आज मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे कि जेपीएससी का क्या मामला है। कम से कम जो सरकार जो है, युवाओं ने बहुत मदद किया हम लोगों को, मैं जानता हूँ, तो युवाओं को कहूँगा कि भाजपा से बचिए, कोई बात है तो हमसे बात कीजिए, हम लोग चिंतित हैं, हम लोग आपके लिए दिन रात एक कर देंगे। आप कम से कम भाजपा को हटाइए तो वहाँ से, आप बताइए छात्र भविष्य में वहाँ जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, आप पीठ के पीछे डंडा खा रहे, मारो मारो मारो, पुलिस को डंडा मार रही है नेतागिरी करने के लिए, फोटो आ जाएगा बड़ा बड़ा, ये भानु जी करवा रहे हैं, तो कम से कम गरिमा बना रखना चाहिए। कहाँ रह गए, यहाँ ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम छात्रों के साथ हैं, जेपीएससी के तमाम छात्रों के साथ इरफान अंसारी है, गलत कहीं हुआ है तो कोर्ट है, मुख्यमंत्री महोदय हैं, इरफान अंसारी है, अकेला यादव जी है, आप वार्ता कीजिए, विकल्प खुले हैं हमारे, तो बैठे हैं यहाँ, बात करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कम से कम आप भाजपा को बुला रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ अपने वहाँ बताइए, अब एजुकेशन हम लोग पढ़ना सीखते हैं, किताबों में पढ़े हैं, पुरुषोत्तम राम जी 5:30 में हमारे घर में भगवान हैं, सीता माँ, ये किताबों में है, ये हम लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं। आज हम रोजगार मांग रहे हैं युवा वर्ग, जो छात्र रामायण के बारे में बता सकता है वो भाजपा उसके जाके जहाँ धरना वहाँ पे जाके धरना देके जैसे राम के नारे लगा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राम तो श्रद्धा है, दिल में है ना। अब जहाँ छात्र छात्राएं या आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, वो आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं गलत हुआ तो उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो वहाँ पे भाजपा जिंदाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, इरफान अंसारी मुर्दाबाद, ये अच्छा लगता है क्या? तो ऐसा थोड़ा देखिए आप लोग, हम बता रहे हैं जेपीएससी को लेकर, जेपीएससी का जो वो जाँच का विषय है, आज जांच में जो होगा
निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होगी। एक लाइन में बताता हूँ, हम ढाप टोप की बात नहीं करता हूँ। यदि जिन पदाधिकारियों ने गड़बड़ी जेपीएससी में किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल के सलाखों में बंद होना चाहिए, स्टूडेंटों को इंसाफ मिलना चाहिए। लगता है कि गलती हुई है चूंकि जेपीएससी, मैं नहीं कह सकता हूँ, जाँच का विषय है। जो गलती हुई है तो जेल जाएगा एकदम एक साथ। तुम्हें अरे भैया विधानसभा में है, आए हैं उठाने के लिए ना, जो गलती की है उनको सजा मिलेगी। The followup.in Like, share and subscribe www.thefollowup.in